एवरीवन, मेरा नाम है ऋत्विक, आप देख रहे हैं आरएम मोटो ब्लॉग्स। तो भाई ये एक्चुअली में टाइम लैप्स है, और अगर आपने नहीं देखी है मेरे पिछले की वीडियो तो मैं बता देना चाहता हूँ कि रिमाइंड कर दे रहा हूँ कि भाई पिछले की वीडियोस में थी कि एक टर्बो चार्जर था। टर्बो चार्जर एक्चुअली इंजन में ही होता है, टर्बो चार्जर था नहीं, उसमें अभी भी लगा हुआ है। तो टर्बो चार्जर था पुराना वाला, वो ख़राब हो गया, फिर एक नया आया आरआर शॉप से दूसरा दिन, फिर वो लगा, फिर वो ख़राब हो गया। अगर तुम ध्यान से देख पाओगे तो उसमें वाइट स्मोक निकल रहा है, हम तुमको दिखाएंगे आगे में वीडियो में। तो भाई ये तो एक्चुअली में पार्ट टू है उसका, क्योंकि भाई इसको नीचे उतारने में ही एक दिन जाने वाला है, दूसरा दिन से काम होगा, तो ये समझ लो उसका पार्ट टू है। और ये उसी दिन हो रहा है, कौन भाई बार बार मेहनत करने वाला है, कोई नहीं मेहनत करने वाला है। तो भाई देख रहे हो ना कितना धीरे चलता है। अगर मैं इसको रियलिटी में तुमको क्या बताऊं, कि अगर तुम सोच लो कि इसको रियलिटी में हम दिखाना चालू करें तो इसमें कितना साल लग जाएगा हमको साल की बात नहीं, एक सप्ताह ज़रूर पूरा पार हो जाएगा आराम से, धीरे धीरे। और तुम अगर टाइम लैप्स में देख पा रहे होगे तो वाइट स्मोक तुमको रेगुलरली दिख रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है कि वाइट स्मोक तुमको दिखेगा नहीं। और भाई इसको जाते जाते देखो, हम तुमको बता दे रहे हैं 10 से 11 बजे तक मेंटेनेंस आवर रहता है, और उसके बाद फिर मशीन चलना चालू हो जाता है 11 बजे से। तो देखो अगर तुम देख पा रहे होगे तो डंपर ये सब आ गया है, अगर तुम देख पा रहे हो तो डंपर ये सब पार हो रहा है, मतलब अब सॉवेल चलना चालू हो गया है, सॉवेल चलना चालू हो गया है और अभी उसी से काम होगा, और भाई इसको एडजस्ट किया जा रहा है एक्चुअली में। तो भाई यही है, अब इसका इंजन खुलेगा तो इंजन का भी टाइम लैप्स बनाऊंगा, नहीं तो असलियत में तो बर्बाद हो जाऊंगा। और पीछे से बाबू, पीछे से आ गया है इसका क्रेन जो कि इंजन निकालने में मदद करने वाला है। और भाई SOX का कार भी पार हुआ होगा, तुम ध्यान में नहीं दिए होगे, हम बताना भूल गए। तो भाई वहाँ पे अभी बारिश के चलते इतना सरकी रास्ता है कि पहले 2 ट्रक ऊपर जाता है उसके बाद आता है, वैसे तो 7 ट्रक है पर नॉर्मली 5 ही चलता है, 2 ज़्यादातर मतलब एक्सेप्शनल केस में ही चलता है। तो भाई यही है व्लॉग्स में, और मेरे साथ बने रहना। और मैं बात कर रहा था सीसीएल्स की, रूल्स एंड रेगुलेशंस की, तो भाई सीसीएल का रूल रेगुलेशन बहुत हार्ड है। अगर तुम 8:30 बजे पहुँचते हो ड्यूटी आवर में, मतलब मेरा डकरा माइंस का हम बता रहे हैं, डकरा OCP का, अगर तुम 8:30 बजे उठ सूत के आते हो तो भाई तुम्हारा हाजिरी नहीं बनेगा। उसके बाद तुम फिर दूसरा दिन आओ तो फिर छोड़ो वो सब बात, हम यहाँ से निकलने के बाद बात करेंगे, क्योंकि मेरा अब 24 दिन है और हम 24 दिन अच्छा से बिताना चाहते हैं। उसके बाद हम खुल के बात करेंगे, सोच तो रहे हैं पर कुछ ना कुछ कहीं गड़बड़ हो गया तो बहुत दिक्कत होने वाली है, मेरे को उठा के भी ले जा सकते हैं पुलिस वाले कि तू CCL के बारे में ऐसा बोलता है। और भाई यहाँ पे मतलब अगर तुम थोड़ा सा भी मतलब मिसबिहेव करते हो तो तुम यहाँ पे मार भी खा सकते हो, उसमें कोई सीन वाली बात नहीं है। SOX सर देखो उधर पीछे हैं, डंपर के पीछे। भाई तुम लोग देखते होगे बहुत बार कि कैसा है, तो हम बस रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो भाई ऐसा ही है सब कुछ। और अगर आपको अच्छा लग रहा है अभी तक बने हुए हो तो मेरे को बताना कि ये इंजन कैसे खुलेगा। अगर तुम लोग नहीं जानते हो तो मैं तुम्हें बताऊंगा, पर वो बताऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी बता दूंगा तो तू सस्पेंस ख़त्म हो जाएगा। तब तक आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि कैसा आपको लगा। और देखो अगर हम नॉर्मल में भी दिखा रहे हैं तुमको कि वाइट स्मोक कितना लग रहा है, निकल रहा है, क्योंकि भाई फ्यूल जल नहीं रहा है, बिना जले ही निकल जा रहा है। तो अब इसका हो गया है क्रियाकलाप, मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर।